त्योहारी सीजन के चलते हमीरपुर में जिला फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम की दबिश जो ही शनिवार को दुकानों पर हुई तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दरअसल लंबे समय के बाद विभाग की टीम ने मुख्य बाजार में चेकिंग अभियान चलाया है। यहां गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक करीब 2 दर्जन दुकानों को चेक किया गया। इस दौरान एक ढाबा मालिक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। टीम ने फास्ट फूड मीट शॉप होटल एंड रेस्टोरेंट की भी चेकिंग की। त्योहारी सीजन के चलते हमीरपुर में जिला फूड एवं सेफ्टी विभाग की टीम की दबिश जो ही शनिवार को दुकानों पर हुई तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दरअसल लंबे समय के बाद विभाग की टीम ने मुख्य बाजार में चेकिंग अभियान चलाया है। यहां गांधी चौक से लेकर बोटा चौक तक करीब 2 दर्जन दुकानों को चेक किया। इस दौरान एक ढाबा मालिक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। टीम ने फास्ट फूड मीट शॉप होटल व रेस्टोरेंट की भी चेकिंग की। चेकिंग की बनक लगते ही कई दुकानदारों ने साफ खाद्य सामग्री को तो दुकानों पर सजा दिया, लेकिन जो निम्न स्तर की थी उसे तुरंत हटा दिया। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने रंगदार मिठाइयों को काउंटर से तुरंत हटवाने के आदेश भी दिए। इस दौरान दुकानों पर साफ सफाई से लेकर निम्न स्तर की मिठाइयों को देखकर कड़े निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जो दुकानदार बिना लाइसेंस के ही खाद्य सामग्री को बेच रहे थे उन्हें नोटिस जारी होंगे, उसके बाद ही उन पर जुर्माने की कार्यवाही हो सकेगी। शहर की कई दुकानों में मिठाई कहां से आ रही है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ग्राहकों के पूछने पर बताया जा रहा है कि बेहतर किस्म और उच्च गुणवत्ता की मिठाई तैयार की जा रही है। कई दुकानों में घी की जगह सस्ते रिफाइंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर मिठाई तैयार हो रही है उस गुप्त रसोई का किसी को भी पता नहीं है। इसके बारे में फूड एंड सेफ्टी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अरुण कुमार ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए हमीरपुर में मिलावटी मिठाई, साफ सफाई और गुणवत्ताहीन मिठाई की बिक्री करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक ढाबे वाले पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस 1 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक दुकान को सस्पेंड किया है, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया है 1 मंथ के लिए, और एक को कैंसिल करने के लिए बोला है। बाकी हम रूटीन चेकअप कर रहे हैं, जैसे स्वीट शॉप हुई, फास्ट फूड, करियाना, जो भी हमारे को कलरफुल आइटम मिलेगी उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। और क्या है, अभी रंगदार मिठाइयाँ कितनी, अभी तो नहीं किया, अभी मार्केट में करेंगे, अभी डिस्ट्रॉय ना। इसके साथ ही बाकी जो भी शॉपकीपर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से साफ सफाई रखनी है या जो भी है उनको अच्छे से काम करने के लिए। ये जो दुकान का सस्पेंड किया सर लाइसेंस, उसमें मेन क्या रहा? काफ़ी खामी है उसमें, तो एक तो उसमें मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई को किया ना, इंटरप्ट किया उसके कार्य को जो हम कार्य कर रहे थे, और बाकी उसमें कमियां काफ़ी थी। जैसे हमारे जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में उसकी जो भी कंडीशन सारी फुलफिल नहीं करती थी उसमें।